Good morning, Saira. Good morning. All set. Fun squad is ready to see your snowman. Yeah. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas. Merry, merry, merry Christmas. And now we are going to Saira ka snowman banane ke liye. And also playing in the snow. Kulfi hamari jam rahi hai. अभी तक सारा मुझे कह रही थी मुझे कुछ नहीं पहनना इतनी लेयर्स अब मैंने इसको तीन लेयर्स दिए तो भी इसको ठंड लग रही है ना सारा yeah. आपने इतनी हल्की सी जैकेट पहनी हुई है वो तो मैं फिंगर स्टक करवा लिया ओहो सारा का हो गया निंदा टाइम जब निकले थे सर में ना वैसे ठंडी ठंडी लग रहा था मुझे भी पापा को भी व्हाट अबाउट यू मुझे भी लग रहा था अब तो मैंने हटा दिया अब जाके थोड़ा ठीक हुआ है उस टाइम पे तो ऐसा लगता था ठंड इतनी ज्यादा ठंड और गाड़ी भी ठंडी थी ना बहुत बड़ी मैंने वार्मर डाला उसके ऊपर स्वेटशर्ट डाली मगर ठीक है अब चलते हैं बट अगर नहीं भाई नहीं हो पाएगा फिर जैकेट पे डाल देते हाथ ऐसे रखे चलाने के लिए लेकिन ठंड है यार बहुत ठंड है ये है टनमर्ग की मार्केट बेसिकली जब आप गुलमर्ग आते हो तो पहले ये मेन मार्केट एरिया ये क्रॉस करते हैं आप और यहाँ से ऑलमोस्ट से अबाउट 13 किलोमीटर है गुलमर्ग ऊपर की तरफ जब यहाँ पे ज्यादा बर्फ होती है आपको गाड़ी यहाँ छोड़ के जानी पड़ती है यहाँ लेफ्ट पे और फिर आपको यहाँ से इनकी सुमो में जाना पड़ता है क्योंकि आपकी गाड़ी यहाँ अलाउड नहीं है यहाँ से हमारे हिल शुरू है जो ऑलमोस्ट से 10 किलोमीटर के हैं पेरिस टाइम पे तो आपको सोना चाहिए था वेट नाउ आई एम कंफ्यूज्ड व्हाई कांट वी जस्ट गो अप लाइक दैट बिकॉज़ यू आर इन अ हिल एरिया बाबू व्हाई कांट वी जस्ट ऐड एन एलिवेटर नोबडी गॉट टाइम टू गो इन सर्कल्स ओ ये तो पूरा सा लोग फोटो खींच रहे हैं यहां पे लो सारा स्नो फील आ गया आगे भी बहुत है सारा पीछे भी बहुत है अब हर जगह आगे तो सबसे ज्यादा पक्का देखो अब देखिए ओहो अब तो पूरा वाइट वाइट ही है सब कुछ वो देखो बेबी जम्मा ओहो सारा उसने तो यही सब स्नोबॉल्स खेलना शुरू कर दिया वो देखो ओए होए पूरे वीआईपी फेस से प्रवीण भट्टी ले रहे हैं हिलने का नाम दो ट्रैफिक में फंस गए ये क्या किया जाम लग गया मतलब जानबूझ के खुद ब्रेक लेने के लिए ये जानबूझ के किया ना कि ब्रेक मिल जाए पापा ब्रेक आगे पापा भागते हुए मुझे लग रहा खुल गया खुल गया खुल गया चलो बैक टू पवेलियन पापा फुल स्पीड के साथ उधर उस साइड से मेरा सामान नहीं हिलना चाहिए उस साइड ये आगे जी हम गुलमर्ग और टूरिस्ट देख लो कितना पहुंचा हुआ कितनी गाड़ियां ये मेन मार्केट है यहाँ गुलमर्ग की यहाँ से हम पहले जाएंगे अब गंडोला यहाँ पे इतनी स्नो दिख रही है दिस इज सो ब्यूटीफुल मैरी क्रिसमस सायरा हम पहुंच गए गंडोला और गाड़ी अंदर आ गई चाचू की वजह से भाई यहाँ आके पता चल रहा है कितनी ठंडी है हाँ हाँ पापा तो बैग लेके अपना बड़ा वाला तो ये भीड़ लगी हुई है जो गंडोला की है वेटिंग ये पूरी की पूरी वेटिंग लगी हुई है यहाँ से लाइन ये ऊपर एक दो घंटे की वेटिंग है चलो पापा मेरे को दे दे क्या भीड़ लगी हुई अंदर सायरा हाँ हाँ धीरे धीरे यहाँ से भी लोग गिरे हैं शायद चलो जी ओ पापा फुल पैक हो गए सामान पूरा ले गया है पापा मफलर वगैरह पर पता नहीं आपने रखे थे मैंने रखे थे हाँ पापा रीमा के काम मेरे को नहीं चाहिए नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए पापा अरे पापा फिर काम भी नहीं होता यार वो फोन भी नहीं चलता नहीं अरे मेरे पास दूसरे फेज वन आ गया जी अब यहाँ से हमने अपनी गाड़ी चेंज करनी है फेज टू के लिए बैग वैग उठाओ सब चलो अब चल रहे हैं हम लोग फेज टू पे क्रिसमस के लिए शाम के लिए चलो फेस टू और जो यहाँ भैया थे जो चार्ज थे वो उन्होंने पता क्या बोला कह रहा 5-10 मिनट से ज्यादा वहाँ रुक नहीं पाओगे कान वान सब कवर कर लेना जो मैं लेके कुछ नहीं आया एक बंदे ने मेरा बैग में छोड़ दिया सामान चेक दिस आउट तो हम लोग रुक गए अब रास्ते में क्यों सारा इज लाइक हम लोग क्यों रुक गए क्या हो गया तो शायद लाइट चली गई है हम इन द मिडल ऑफ नोवेयर आप ये चेक करो
बिल्कुल नहीं चल रहा है, चल बड़ा जनरेटर की आवाज आई और गाड़ी और थोड़ा सा दो तीन से लो जी आगे फेज टू। मैगी की खुशबू आ रही है भाई, लगी है ग्रे टोपी याद आई। ग्रे टोपी याद तो आई बट एक मेरा धोखेबाज पार्टनर है जो मेरे सामान शॉल क्या करूं मैं हैं? मैं चाहता था कि मैं अपना प्रॉपर कैप लेके आऊं, मफलर लेके आऊं, कुछ नहीं मिला दोस्त, आ गया मेरा पार्टनर सब कुछ। मैगी पॉइंट है गाइस वो सामने सारे, जहाँ लोग बैठ के चाय और मैगी खा रहे हैं, हम भी जाएंगे। आओ 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 पहले इस तरफ चलते हैं बिना स्लिप करे। या गाइस दिस इज सो सो अमेजिंग, चेक करो और मेरे स्टैंड पे ना गानों के बैंड बज गया। पकड़ो इसको सर को दे रहा हूं ये बात, उसके ऊपर मफलर लगा देते मम्मी हैं जाहिर है। फेज वन, अरे सारा कुछ नहीं होता यार, अभी गरम गरम मैगी खिलाते हैं, जबरदस्त स्लिप नहीं करना ज्यादा। मुझे लगी मजा आ गया, आया फील, आ गया विंटर फील। सर मेरा भी बैग उधर इधर पापा वाला दी, वो ये भी इधर। पापा आए थे शूट करके गए थे यहाँ पे और मुझे याद नहीं हम लोग लास्ट टाइम कब आए थे रिमो, लास्ट टाइम आए थे 5 years पहले। कमाल की ठंडी हो गई है, ठंडी कमाल। सारा कह रही चले नीचे फेस वन। ओहो ये देखो, ओहो सच अ ब्यूटी गाइस, मैं गिरू ना यहाँ पे स्लिप ना कर जाऊं। उंगलियां काम नहीं कर रही, ठंडी इतनी हो गई है। अब हम नीचे जा रहे हैं वापस, सारा गिर के वेट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। क्या हुआ दादू ने आपको कितना कवर कर दिया, चलो लेट्स गो डाउन। तो सारा कह रही थी बस बर्फ देख ली, लेट्स गो डाउन। आपने इसको पैक कर दिया, ऐसे लग रहा है हिल ही नहीं पा रही है। हाई फीलिंग ओके, मुझे तो लगा तुम्हारे भी ऑक्सीजन कम हुआ ऊपर। पता है मैं रीमा को देखा, रीमा का फेस ब्लू, लिप्स भी एकदम लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला ड्राई और ब्लू हो गया था भाई। और नीचे ऊपर सही में थोड़ी देर बाद आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे, 2 मिनट के लिए बैटरी ठुश हो गई थी। मैं रीमा फोटो खींचने बाहर गए, जैसे ही वापस आए देखा पापा ने फटाफट बैग खोल के सारा को पैक करा दिया, सारा रोने लग गया ठंड के मारे। तो ये फेज वन का गाइस रेस्टोरेंट है जो यहाँ का सबसे पॉपुलर रेस्टोरेंट हम लोग यहाँ कुछ गरम गरम मिल जाए। मेरे को पता क्या लग रहा है, आपको देख के वैसा कैरेक्टर याद, फ्रैंकेनस्टाइन दैट कार्टून कैरेक्टर जिसमें उसकी बॉडी इतनी और उसका छोटा ऐसा क्यों, वो फ्रैंकेनस्टाइन, यू लुकिंग लाइक दैट हल्क, हल्क की तरह शी इज बैक। घर आ गया आधे घंटे बाद, क्या वर्डिक्ट है सारा, हाउ इज इट, गुड? तरह से रेस्टोरेंट की तारीफ है वो उस हिसाब से ठीक है, खाना वाव नहीं है। रेडी फॉर द शॉट, रेडी ठीक है सारे, व्हाई यू गाइस थ्रोइंग बर्फ ऑन मी यार, हो रहे तो वे पत्थर थोड़ी है, फ्रिज क्या अबे लगे हो ना, मतलब बच्चों की तरह यार, तुम लोगों का मन नहीं भर रहा बर्फ लाए जा रहे हो फेंकने के लिए मेरे पे। अरे सारा लग रही है बेबी, स्नोमैन बनी हुई है नीचे आके फ्री हो जाएगी। चलो चले वो देखो गाइस, सायरा अपने मिशन पे निकल गई है, सायरा को बस यही चीज है स्नोमैन बनाना है चल के। हम बर्फ ढूंढे जा रहे हैं, दो जगह ट्राई की, वहाँ तो इतनी बर्फ जमी हुई थी कि बनानी, अब आई होप यहाँ पे इजीली हो जाए। दादू ने बना दिया देखो, वो देखो ऐसे बनाना है आपको, ये बन गया स्नोमैन सायरा का। मेरी क्रिसमस फाइनली एवरीबॉडी, मेरी क्रिसमस पापा। चलो ये क्या किया, अरे कहाँ गया हमारा, अब इसके ऊपर लेट के यू कैन डू दैट, आप फोड़ दो मम्मा में फेंक दो सारे, यस। सायरा मम्मा गिफ्ट लाई आपके लिए, पापा के बन जाएगा। मेरी क्रिसमस।
पापा पे भी मेरी क्रिसमस ये रहा पापा मेरी अभी जो तो अपन बाइक चेन आज मत वापसी वसन पहले कितनी सॉफ्ट है मेरे मन बिल्कुल नहीं भर रहा है सारा को अभी भी क्या है सारा क्या बोलते हैं स्नो एंजल होता है क्या आ जाओ लड़की ने ओके ओ हो बना थोड़ा सा एंजल बना है बना बना सच अ ब्यूटीफुल व्यू और हम लोग नीचे पहुंच गए गुलमर्ग से पहले प्लान ये था कि ऊपर जाएंगे बट जितनी ऊपर भीड़ भड़ाका था हमें लगा कि पहले टाइम से पहले नीचे उतर जाते हैं और पापा ने बोला यहाँ पे मिलती है चाय और पकोड़े स्पेशल तो हम आगे चाय और पकोड़े पहाड़ियों पहाड़ी के बीच में सामने वादियों के बीच में स्पेशल पकोड़े मिक्स चाय के साथ फाड़ो गरम गरम और यहाँ सामने गए देखो गुलमर्ग की स्टार्टिंग है ये जो ग्रीन बैरियर लगा हुआ है यहाँ से ऊपर स्टार्ट होता है लोग तो रात की गेड़ी मारने आ गए बूथ के साथ बाहर देखने के लिए कि मार्केट में क्या क्या है दुकानें तो वैसे अभी भी खुली हैं ये थोड़ा टूरिस्ट एरिया साइड है इस साइड में बट यस डल लेक जैसे सामने ही है हम जैसे वॉक करके जा रहे हैं सामने आई कैन सी हाउस बोट्स एंड ऑल वो लाइट जो देख रहे हो आप वो हाउस बोट की जल रही है और ये पूरा टूरिस्ट एरिया यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह होटल्स हैं यहाँ पे भी बहुत कुछ है हम जा रहे हैं अभी बाहर ऐसी स्ट्रोल करने रात को भी अभी टूरिस्ट की चहल पहल ऑन है सो फुल हाउस चल रहा है अब खुद हमको लेना है यहाँ की बहुत ही फेमस फ्रेंच बेकरी में ना आप आए कभी डल लेक में एकदम जस्ट बैंग ऑपोजिट टू द डल लेक ये पुराना जहाँ पेस्ट्री शॉप है पीछे कॉफी शॉप है बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा और ये दोनों कुछ नहीं खा रही है मैंने और अबूद ने बस पार्टी कर ली अपनी ये देख ली चलो जी खाना पीना यहाँ पे हो गया अब थोड़ा सा स्ट्रोल करते हैं और ये देखो गाइस नाइट मार्केट भी लगा हुआ है लोग रात को आए हुए शॉपिंग कर रहे हैं गाइस ये साइड है डल लेक का जहाँ से आप शिकारा वगैरह लेते हैं रात को और भी ज्यादा इन्होंने ब्यूटिफिकेशन जो है इस जगह की शुरू कर दी है बहुत ज्यादा स्मार्ट सिटी श्रीनगर पे काम चल रहा है शिकारे वाले स्टैंड पे आपको भी लाइट्स मिलेंगी रात को यू नो प्रॉपर लिट अप चीजें मिलेंगी हाउस बोट में जाने के लिए लोग यहाँ से चढ़ते हैं और सामने हाउस बोट में जाते हैं लोग आगे वापस बहुत मजा आया आज मेरी क्रिसमस आप सबको एक बार फिर से आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो नीचे लाइक करना कमेंट करना सब्सक्राइब करके जाना और हमारी तरफ से फिर से मेरी क्रिसमस।